हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इसमें से विंटर फ्लावर भी हैं और जो बसंत ऋतु में खिलते हैं वो वाले फ्लावर्स भी हैं मेरे पास। तो ये मेरी छोटे से गार्डन में कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं, जिनमें कुछ में अभी फ्लावर्स खिले हुए हैं और कुछ में अभी खिल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरे पास कलंचो का प्लांट है और ये मैंने काफ़ी पहले लगाया था, करीब 3 साल से ये पौधा मेरे पास है। इसकी मैं काफ़ी सारी कटिंग्स ले चुकी हूँ और इसको मैं जो है अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी मैं इसे बांट चुकी हूँ। तो ये जो है प्लांट बहुत ही अच्छे से लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें से इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं और इसी में से देखिए मैंने और भी प्लांट्स लिए हुए हैं। ये इसमें से और भी बेबी प्लांट्स आए हुए हैं। इसी में से सेपरेट करके मैंने यहाँ पर भी ये कलंचों के लगा रखे हैं। ये देसी वैरायटी है कलंचों की, रेड कलर का फ्लोवर आता है इसमें। तो देखिए कितने सुंदर हैं, रोजाना ऐसे छोटे छोटे इसमें काफ़ी सारे ये फूल खिले रहते हैं। इसमें भी बेबी प्लांट्स आ रखे हैं, देखिए इधर ये इसमें बेबी प्लांट आया हुआ है। और ये वाला जो प्लांट है इसका ये जो टॉप पार्ट है ये एक पक्षी ने काट लिया था, जो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए इसमें से भी फ्लावर्स खिलते हैं रोजाना, और साथ ही साथ इसमें देखिए नए जो हैं ब्रांचेज आ गई हैं और इसमें से बड्स बन रहे हैं, तो इसमें भी फ्लोवरिंग होगी। तो कलंचों में इसी टाइम पे फ्लोवरिंग होती है, मार्च के मंथ में। इसमें अप्रैल की स्टार्टिंग तक इसमें फ्लोवरिंग होगी और उसके बाद ये जो प्लांट है गर्मियों में अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, इसकी जो है रूट्स डेवलप होंगी, नए नए प्लांट्स बनेंगे इसमें से, और फिर वापस से अगले साल यानी कि फरवरी मार्च में इसमें फिर से फ्लोवरिंग होगी। तो सारे साल इसमें जो है फ्लोवरिंग नहीं होती, इसी टाइम पर फ्लोवरिंग होती है। ये मेरे पास डायंथिस फ्लोवर्स हैं और ये डायंथिस फ्लोवर्स देखिए दो कलर में है मेरे पास। ये पिंक कलर है, इसमें थोड़ा सा वाइट कलर का वेरिएशन है और इसमें दो ही फूल खिले हुए हैं आज। ये एक विंटर फ्लोवर है, अभी जैसे सर्दियां जा रही हैं गर्मी अभी होना स्टार्ट हो गई है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम है, तो उस हिसाब से इसमें कुछ जो है बर्ड्स इस तरीके से बचे हुए हैं और ये भी सारे के सारे खिल जाएंगे। मैं इसको जो है शेडो में रखती हूँ, अभी मैंने इसको धूप में रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए। वैसे मैंने इसको शेडो में रखा हुआ है, अगर मैं इसको धूप में रखती तो ये अभी तक ख़त्म हो चुका होता, लेकिन अभी ये शेड में है। इसके हम बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं अगले साल के लिए। अभी बस इसमें कुछ टाइम और फ्लोरिंग होगी, बाकी इसमें फिर फ्लोरिंग नहीं होगी। सेम ये वाला है डेजी फ्लोवर, सॉरी डायंथिस फ्लोवर, और इसमें देखिए ये कलर है पर्पल और वाइट कलर का वेरिएशन है इसमें, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले फूल, और बीच में कुछ इस तरीके से है ये। इसमें और भी काफ़ी सारे फ्लोवर्स खिलने वाले हैं और देखिए इधर से भी इसमें एक फ्लोवर बनेगा। तो ये जो है बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं ये वाले प्लांट्स, और कलंचो जो है वैसे सस्ते में मिल जाता है। किसी के पास आपको कटिंग मिल जाए तो फिर आप वो ले लेना। तो इन प्लांट्स के हम बीज लेके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और जो विंटर्स में बहुत ही अच्छे से फ्लोरिंग होती है इनमें। सो इन सभी का जो है प्रोपेगेशन काफ़ी आसान है। जो मैंने ये 4 गमले आपको दिखाए हैं, ये कलंचो के हैं मेरे पास 2 गमले और 2 ये हैं डायंथिस फ्लोवर्स के। तो इनका प्रोपेगेशन इजीली हो जाता है, इसमें से बेबी प्लांट्स निकलते हैं रूट्स डेवलप होके, और ये जो हैं इनके आप बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए, और आप इनसे फिर काफ़ी सारे फ्लोवर्स ले सकते हैं। ये वाला जो प्लांट है इसका नेम मुझे नहीं पता था कि इस फ्लोवर का नाम क्या है, बट मैंने सर्च किया तो ये जो है गजानिया फ्लोवर है, गजानिया रेजेंस। ये एक अफ्रीकन प्लांट है और काफ़ी सुंदर फ्लोवर देता है, ये विंटर फ्लोवरिंग प्लांट है। अभी इसमें फ्लोवरिंग स्टार्ट हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा जो है शेडेड एरिया में रखती हूँ। तो देखिए इसमें और भी सारे फ्लोवर्स खिलने वाले हैं और इससे हम बीज ले सकते हैं। तो अभी इसमें से और भी काफ़ी सारे बर्ड्स बने हुए हैं और इधर भी हैं कुछ बर्ड्स इसमें। तो देखिए
काफी सुंदर है ये फूल खिला हुआ। इसका येलो कलर काफी प्यारा लगता है। इसमें और भी कलर्स आते हैं, और जो बीच वाला ये पार्ट है ये हर फ्लावर का अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है, तो ऐसे कलर में भी काफी सारे फ्लावर्स हमें मिलते हैं। और इसके देखिए हम यहाँ से बीज ले सकते हैं, सूखने के बाद इसके हम बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा टाइम और सूखने देती हूँ इसके बड पार्ट को, और फिर हम इसमें से बीज लेके अगले सीजन के लिए रख लेंगे। ये वाला देखिए पालक जैसी पत्तियों का प्लांट है, और ये वाला जो प्लांट है ये है डेजी फ्लोवर। इसमें रेड कलर का फ्लोवर आया था, बहुत ही प्यारा फ्लोवर था। इसके थोड़े थोड़े बड्स अभी बन रहे हैं। बीच में इस प्लांट में एफिड अटैक हो गया था, और उसमें से देखिए मैंने कुछ हद तक इस प्लांट को बचाया है, और अब मैं इसके बीज ले सकती हूँ। जैसे पालक का पौधा होता है तो पालक में इस तरीके से बीज बनते हैं, उसी तरीके से इसमें बीज बनते हैं। पत्ते भी इसके पालक के जैसे ही हैं। और इसके अलावा ये देखिए मैंने जो है गुलदावरी की कटिंग्स लगाई थी, जो कि अच्छे से ग्रो हो गई हैं, यानी कि लग गई हैं, मिट्टी में सेट हो गई हैं। ये रेड कलर का गुलदावरी प्लांट है, और इसमें सर्दियों में फ्लोरिंग होगी, बाकी पूरे साल ये अच्छे से बढ़ेगा। इधर ये मेरा एक और गुलदावरी प्लांट है, और इसमें देखिए ये येलो कलर के फ्लोवर आते हैं। बीच बीच में इसमें एफिड्स होते रहते हैं। मैं इस पर अपनी कोई भी स्प्रे इस्तेमाल कर देती हूँ, हल्दी इस्तेमाल करती हूँ, और एक बार मैंने नीम ऑयल भी इसमें ट्राई किया था, और एक बार मैंने इसमें लहसुन का ट्राई किया था, तो उससे ये चले जाते हैं लेकिन वापस से आ जाते हैं। तो कुछ टाइम ऐसा ही चल रहा है इसमें, तो बनते रहते हैं ये। और ये देखिए मेरे पास अगले सीजन के लिए गुलदावरी की येलो कलर वाली गुलदावरी की कटिंग्स भी मेरे पास तैयार हो गई हैं। तो ये येलो गुलदावरी है, ये रेड गुलदावरी है, ये मेरे पास है गुलाब के पौधे। तो इसमें काफ़ी सारे गुलाब खिल चुके हैं, काफ़ी सारे इसमें अभी खिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर हैं। इसमें सभी की मैंने पिंचिंग कर दी है, जो जो मेरे पास खिल चुके हैं। और ये देखिए झड़कर इसकी पत्तियाँ इसी गमले के अंदर गिर जाती हैं। ये मेरे पास दूसरा है रोज प्लांट, और इसमें देख सकते हैं आप फ्लावर खिलने वाले हैं, और इसमें भी बड्स बने हुए हैं। इसके अलावा ये है मेरे पास करी पत्ता, और इस करी पत्ता में आप देख सकते हैं इसकी मैंने पिंचिंग नहीं की है, काफ़ी सुंदर सुंदर इसमें से पत्ते आए हुए हैं, लेकिन पिंचिंग करने का मेरा मन नहीं कर रहा अभी। इसको थोड़ा सा और बड़ा होने देती हूँ, फिर मैं इसमें पिंचिंग करूँगी। ये है मेरे पास अशोका प्लांट, तो अभी इसकी नई पत्तियाँ आ रही हैं, देख सकते हैं कितनी कच्ची और कितनी नई पत्तियाँ हैं। तो इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ आने के लग रही हैं, देख सकते हैं आप। ये मैंने गमले में लगा रखा है, इसमें ये पोर्टोलेका की ग्रास है, इसमें अभी कुछ टाइम में फ्लावरिंग होगी। ये है मेरे पास दूसरा प्लांट, और अभी मैंने इसमें वॉटरिंग की थी। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे फ्लावर्स प्लांट्स कैसे लगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।